हेलो हाय, आज संडे है और सीन्स कुछ ऐसे हैं। इरफान जी ने जो रिप्लाई भी हेलो हाय नमस्ते सलाम जैकी बंदे के नाम वेलकम टू माय चैनल इनसेन जैकी। और आज अपना संडे बिल्कुल सही हो गया यार, सब सही है ब्रो, मैं हमेशा कहते रहता हूँ, लेकिन ऐसा अपने साथ आज हो गया सुबह सुबह, सच्ची बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था इरफान जुनेजो जो चेंज माय लाइफ। इरफान भाई के लाइफ में आने से पहले मेरी लाइफ ना बहुत ही नॉर्मल चल रही थी, रेगुलर लाइफ से मैं पक चुका था। स्टूडियो जाना, स्टूडियो से घर आना, फिर से स्टूडियो जाना, स्टूडियो से घर आना, मैं परेशान हो चुका था। फिर दिसंबर में एक दिन जब YouTube सर्च कर रहा था तो इरफान भाई का मुझे ब्लॉग दिखा और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई, मुझे एक मोटो मिल गया और उसके बाद से ही मैंने व्लॉगिंग शुरू की। इसकी पूरी कहानी आप देख सकते हैं आई कार्ड में कि हाउ इरफान जुनेजो चेंज माय लाइफ, तो वीडियो देखेगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से जैकी आज इरफान भाई की बात कर रहा है। एक्चुअली हुआ ये कि ट्विटर पर यूट्यूब ने कल एक ट्वीट किया, हार्ट वाला इमोजी देख के आपको कौन सा यूट्यूबर याद आता है, तो मैंने इस पर ट्वीट करते हुए इरफान भाई का नाम ले लिया। आज जब सुबह उठा तो इस पर इरफान भाई का लाइक था, देखिए। तो ये लाइक देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और इरफान भाई को टैग करते हुए लिखा, व्हेन योर आइडल लाइक योर ट्वीट्स, थैंक यू इरफान भाई, थैंक यू सो मच टू चेंज माय लाइफ। और इस पर इरफान भाई का रिप्लाई आ गया, उनका रिप्लाई आया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इरफान भाई, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। और आज आपका ये जो कमेंट है ये मुझे और मोटिवेट करेगा डेली व्लॉग बनाने में। बस आपके स्टाइल में कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब सही है ब्रो। आपको बताए, कभी कभी लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती है जिन्हें कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते। मेरी लाइफ में हमेशा ऐसी चीज हुई, मतलब मैं जब स्कूल में था मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं आज यूपी के 7 शहर होस्ट करूंगा रेडियो पे, कभी नहीं सोच पाता था। मैंने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है, मराठी मीडियम से पढ़ाई की है और इसके बाद अभी मैं यहाँ पे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मेरे साथ ये होगा, लेकिन मैंने मेहनत की और वो हुआ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मैं भी यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, मैं भी व्लॉगिंग करूंगा और वो भी डेली व्लॉग, जो मैं रोज अपने डेली व्लॉग शूट कर रहा हूँ और इसमें मुझे मजा आ रहा है। मुझ पर प्रेशर नहीं है कि मैं यार आज क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं, आज क्या बनेगा, आज का कॉन्टेंट नहीं है, सब अपने आप हो रहा है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। और उससे भी बड़ी चीज है आपका सपोर्ट, आप मुझे कमेंट करते हैं और आपसे इतना मुझे मोटिवेशन मिलता है हर रोज कुछ नया करने के लिए, इसलिए मैं हमेशा अपने दिल पे हाथ रखता हूं और कहता हूं सब सही है ब्रो, सब सही है ब्रो। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो सब सही है ब्रो, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। और इरफान भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, पता नहीं, आई होप आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी ही नहीं, मेरे जैसे कई सारे लोगों की लाइफ चेंज की है, कई सारे लोगों को मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच उसके लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आप ऐसे ही कंटेंट बनाते रहिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें करते रहिए ताकि हम भी आपसे बहुत कुछ सीख सकें, सब सही है ब्रो। आज सुबह भले ही मेरे लिए गुड न्यूज़ होगी क्योंकि मेरे आइडल ने मेरा ट्वीट पे कमेंट किया, लेकिन अभी जब मैं यहाँ पे व्लॉग शूट कर रहा था तो एक सैड न्यूज़, बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ मुझे पता चली कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ग्रेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। ये शॉकिंग भी है और हार्ट ब्रेकिंग भी है, और अनबिलीवेबल है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में आके सुसाइड कर सकते हैं। अभी हाल ही में उनकी फिल्म आई थी एक छिछोरे, उसमें एक उन्होंने मैसेज दिया था कि सुसाइड करना इट्स नॉट एन ऑप्शन। तो वाई सुशांत, वाई, क्यों? मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आज मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो किसी से शेयर कीजिए, चाहे वो फैमिली से, फ्रेंड्स से, किसी से भी, जो भी आपके दिल के करीब हो उससे शेयर कीजिए। बातें शेयर करने से शायद आपका डिप्रेशन कम हो जाए, लेकिन सुसाइड इट्स नॉट एन ऑप्शन। अगर किसी से आप शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। बट डिप्रेशन में आके ऐसा कोई कदम ना उठाए जिसके वजह से काफ़ी सारी लाइफ को अफेक्ट हो। बस यही कहना चाहता हूँ, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस
सुशांत के लिए कहना चाहूंगा कि दिस इज नॉट फेयर सुशांत, ये नहीं होना चाहिए था। कभी भी डिप्रेशन में हो अपने आप से बोलो सब सही है ब्रो, बाय बाय, कल मिलते।